दोस्तों लगता है कि बहुत जल्दी ही हेरा फेरी 3 का काउंटडाउन जो है वो शुरू होने वाला है, यानी कि एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर बाबूराव, श्याम और राजू की तिकड़ी धमाल मचाने के लिए तैयार हो रही है। तो दोस्तों क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी है भैया बाबूराव के शराब की टाकी से, यानी कि इस बार पानी की टंकी में फिर से शराब भरते नजर आएंगे बाबूराव। तो दोस्तों हेरा फेरी 3 को लेकर अब ये जानकारी सामने आने लगी है कि भैया बहुत जल्दी ही ये फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है, यानी कि भैया हेरा फेरी ने अपने 21 साल पूरे कर लिए हैं और 21 साल पूरे होने के दौरान इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने यह बात क्लियर कर दी है कि भाई इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है, यानी कि जो फाइनल स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि इस फिल्म का फाइनल स्क्रिप्ट का जो ड्राफ्ट है, यानी कि फाइनल ड्राफ्ट जो है वो फाइनल हो चुका है और बहुत जल्दी ही इसकी ऑफिशियली घोषणा की जाने वाली है। यानी कि इस फिल्म को लेकर हाल फिलहाल में अक्षय कुमार ने भी एक हिंट दिया था एक फोटो के माध्यम से, जिसमें वो अपने हाथ में एक सूटकेस लेते जा रहे थे और भैया वो बोलते नजर आ रहे थे कि भैया फिर से एक बार होगा हेरा फेरी 3। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर बीच में ये खबर सामने आई थी कि अक्षय कुमार इस फिल्म से बाहर हो चुके हैं, इस फिल्म में जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन की एंट्री हो गई है और इसको लेकर ऑफिशियली घोषणा भी की गई थी कि भैया यही टीम जो है वो सिनेमा घर में आएगी। लेकिन ये सारी बातें धरी की धरी रह गई और अब फाइनली अब इस फिल्म को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है कि यह फिल्म अपने ओरिजिनल कास्ट के साथ ही सिनेमाघर में आएगी। यानी कि भैया बीच में ये जानकारी मैंने आपको दी थी कि भैया कुछ डिस्प्यूट हो गया था बंटवारे को लेकर कि भैया इस फिल्म का पैसा कैसे बटेगा, कौन कितना हिस्सा लेगा, इसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था, यानी कि अक्षय कुमार थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा इस फिल्म में मांग रहे थे, ऐसी खबरें निकल के आ रही थी। लेकिन ये सारी की सारी खबरें अफवाहें साबित हुई जब अक्षय कुमार ने यह बात क्लियर कर दी कि भैया वो इस फिल्म को कर रहे हैं और भाई ये जो खबरें निकल के आ रही है बस ये कोरी अफवाह है। यानी कि भैया इस फिल्म को लेकर अक्षय कुमार ने यह बात क्लियर कर दी कि वो इस फिल्म को करने वाले हैं। फिर बीच में इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया इस बार यानी कि हेरा फेरी 3 को फिर से एक बार डायरेक्ट करेंगे वही डायरेक्टर जिन्होंने हेरा फेरी 3 की शुरुआत की थी, यानी कि प्रियदर्शन। लेकिन भैया प्रियदर्शन ने इस फिल्म को लेकर बाद में यह क्लियर कर दिया कि वो अभी इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको तो पता ही है कि इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट था उसे डायरेक्ट किया था नीरज बोहरा ने, जिन्होंने हेरा फेरी के ओरिजिनल स्क्रिप्ट को लिखा था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो भैया इस फिल्म को लेकर फिर बीच में ये जानकारी सामने आई थी कि अक्षय कुमार ने कहा था कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने का मौका दिया जाए राज मेहता को, जिन्होंने गुड न्यूज जैसी बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दी थी, लेकिन वो बात भी आई गई रही और इस फिल्म से राज मेहता का नाम भी हट गया। लेकिन अब ये फिल्म फ्लोर पर जाने वाली है इसको लेकर ये बात तो क्लियर कर चुके हैं फिरोज नाडियाडवाला कि भैया बहुत जल्दी ही ये फिल्म सिनेमाघर में आप देख सकते हो। लेकिन देखने वाली बात ये है कि भाई अगर ये फिल्म फ्लोर पर जाती है तो इस बार इस फिल्म को कौन डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा, क्योंकि भैया अभी तक इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने नहीं आ रही है कि भैया ये फिल्म किसके झोली में जाने वाली है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें तो बताइएगा कि आप इस फिल्म को किस डायरेक्टर को डायरेक्ट करते हुए देखना चाहते हैं, जिसको देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि अगर ये डायरेक्टर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे तो इस फिल्म के साथ में सही इंसाफ होगा। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।